हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने सुबह आपसे जो वीडियो शेयर की थी उसके बाद मुझे काफी डाउट्स आए हैं। तो पहले तो मैं आपके वो डाउट क्लियर कर देती हूँ। तो देखिए, जब मैं ये वेबसाइट पर जा रही हूँ, जो मैंने आपको लिंक भी दिया था अपने प्रीवियस वीडियो में, UGC.NET.NTA.IC.IN, यहाँ पर आप सबसे पहले क्लिक करें। ठीक है, तो मैं इसको ओपन कर लेती हूँ। ठीक है, अभी एक मिनट, सॉरी, मैंने किसी का लॉग इन किया हुआ है। एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड। तो अभी जब मैं इसको करती हूँ, ये देखिए, तो सबसे पहले मैं ये UGC.NET.NTA.IS, इसको मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर है ना एप्लीकेशन नंबर डालना है। तो आपका एप्लीकेशन आपके एडमिट कार्ड पर रहता है, तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ। और मैंने इनसे परमिशन ले ली कैंडिडेट से कि मैं इनका यूज कर रही हूँ यहाँ पर। एंड आई एम थैंकफुल टू हिम फॉर शेयरिंग हिज एप्लीकेशन नंबर एंड ऑल दिस डिटेल्स विद मी, बिकॉज मैंने तो एग्जाम नहीं दिया था, तो मुझे ये लॉग इन नहीं पता होता है। एक मिनट, ठीक है, अब ये हम कर लेते हैं। 8 6 ओके। तो अब ये देखिए, अब मैंने यहाँ पर लॉग इन कर लिया, तो ये हमारी डिटेल्स आ रही है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, अगर आपको आंसर शीट देखनी है तो यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, ये हमारा डैशबोर्ड इस तरफ। और ये देखिए, अब यहाँ पर मैंने जो आंसर मार्क किए थे, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन पेपर है। और ये 21 अगस्त टू 4 सितंबर, अभी इनके पहले कितनों का अभी नहीं बताया, जिनका पहले हो चुका है, जैसे 27 के पहले वालों का अगर इसमें नहीं है तो उनको अपने रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज नहीं दिख रहे। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जिनके पास अगर पहले उन्होंने डाउनलोड किया था तो वो वाली डेट्स का आप चेक कर लीजिए। तो ये देखिए, अभी ये कैसे अपने देखना है, ये हमारा आंसर शीट है। तो यहाँ पर अभी देखिए, क्वेश्चन टाइप नंबर है ये वाला आईडी। ठीक है, तो ये जनरली स्टार्टिंग के डिजिट सेम रहते हैं, और यहाँ पर 5 7 6 2 क्वेश्चन नंबर, इन्होंने इसका आंसर किया 1। अब मुझे क्या करना है, ये मेरा क्वेश्चन पेपर, मैं इसको डाउनलोड कर लूंगी। तो आप यहाँ प्रिंट पर जाइए और यहाँ पर जाके आप इसको सेव कर लीजिए। ठीक है, तो ये मेरे जैसे मुझे डेस्कटॉप पर अदर सेव करना है, तो सपोज मैंने इसको सेव कर लिया। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, ये सेव हो गया मेरे पास। अब मैं जाती हूँ फिर से ये टैब पर। अब मुझे ये देखिए, आपके पास ये ओपन होता है जब आप लॉग इन करते हैं, आपको यहाँ चैलेंज करना है। तो जब ये चैलेंज पर आप क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर देखिए, आपकी डिटेल्स के बाद आपके पास यह क्वेश्चन आईडी है। तो मैंने आपको दिखाया था, सबसे पहले 5 7 6 2 क्वेश्चन आईडी है। तो यहाँ पर उन्होंने आंसर, उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 दिया है। तो जो आप लोग मुझे मैसेज करें कि मैम हमें उन्होंने क्या आंसर दिया है वो हमें नहीं दिख रहा है, तो वो यहाँ पर डाउट आ रहा था आप सबका। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर, अभी ये 5, इसका करेक्ट आंसर 2 है, तो अभी इन्होंने मार्क किया 1, तो इनका आंसर होंगे। तो आगे चलते हैं, अभी 5 7 6 4, ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने सिक्वेंस वाइज दिया 62। भले मेरे यहाँ पर आंसर में 62 के बाद डायरेक्टली 64 क्वेश्चन था, बट यहाँ पर इन्होंने सीक्वेंस दिया, तो 64 का आंसर 2 इन्होंने करेक्ट दिया और मैंने मार्क किया 2, तो यहाँ पर इनको मार्क्स है। नाउ सपोज, ऐसे आप चेक करते जाइए, देखिए नीचे जाते जाइए, इसमें पूरा मेरा कॉमर्स का भी पेपर है, जो 3 सितंबर को ये Shift 1 की कैंडिडेट है, और इसमें Paper 1 भी रहेगा। तो सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन, तो अगर आप यहाँ पर देखिए, अगर ये कौन सा था, ये हमारा Paper 1 है। तो सपोज मैं थोड़ा और स्क्रोल डाउन करती हूँ, तो ये देखिए 50 के बाद हमारे पास आ जाते हैं कॉमर्स। तो ये 54, जैसे LLP एग्रीमेंट है, जो हमारा आपको पता होना चाहिए कौन सा यूनिट क्या है। यस करेक्ट। तो ये देखिए, अभी प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज, तो ये हमारा कॉमर्स का है। तो सपोज मुझे चेक करना है 5 8 6 7 क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जाती हूँ अपना सेव्ड पे 5 8 6 7, तो या स्क्रोल डाउन करती हूँ 5 8 6 7, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, तो इसका आंसर करेक्ट 2 है। ओके, तो यहाँ पर इन्होंने करेक्ट आंसर, तो इनको अब प्रॉब्लम, ये हो गया हमारा सब। ठीक है, अब हमको क्या करना है इसके बाद, ये मेरा हो गया। अभी सपोज मुझे लगता है इन्होंने जो क्वेश्चन 5 7 6 2, इसका आंसर 2 नहीं होना चाहिए। सपोज आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1, उनका जो ये क्वेश्चन है, इसका मुझे करेक्ट आंसर 1 लगता है। सपोज आपको लगता है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, करेक्ट आंसर NTA UGC ने 2 दिया है, बट सपोज मुझे लगता है 1 है, तो मुझे यहाँ पर चैलेंज करना है विद प्रूफ। तो मैं यहाँ 1 को क्लिक करती हूँ, या अगर आपको लगता है ठीक है नन ऑफ दिस इसका आंसर होना चाहिए था, तो आप नन ऑफ दिस पर क्लिक करिए। तो जैसे आपको ऐसे करते हैं, आप 200 रुपीज पर क्वेश्चन है, मैंने पिछली वीडियो में आप सुबह बताया है। तो ये यहाँ से आप कर करके पूरा क्वेश्चन, सपोज आप यहाँ पर फिर फाइल चूजन, अब ये फाइल चूजन क्या है, आपने जितने भी क्वेश्चन चैलेंज किए, सपोज आपको ये वाला लग रहा है,
सपोज आपको ये वाला लग रहा है, ये एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, ठीक है? तो आप क्या करेंगे, अब इन सब का क्वेश्चन एक वर्ड फाइल बना लीजिए, बाद में उसको हम पीडीएफ कर ले जो भी फॉर्मेट में, हाँ पीडीएफ फाइल मांगा उन्होंने, ठीक है? यू वांट टू, क्या लिखा है, इन केस द कैंडिडेट्स वांट टू सबमिट डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ चैलेंज ऑफ आंसर की, द शुड अपलोड, दे होना चाहिए, दे शुड अपलोड द पीडीएफ फाइल विथ मैक्सिमम, तो 1 MB तक फाइल का साइज हो सकता है। तो व्हाट इज माय सजेशन, ठीक है, आप अपनी डिटेल्स तो लिख रहे, बट यहाँ पर नहीं भी लिखेगा तो उसमें ऑटोमेटिकली इसी में जा रहा है, तो आप लिखिए क्वेश्चन नंबर, सपोज ये, सपोज आपको ये चैलेंज करना है, तो आप बताइए क्वेश्चन आईडी था और इनका आंसर उन्होंने 4 दिया, तो सपोज अकॉर्डिंग टू यू आपका आंसर यहाँ पर 4 होना चाहिए, तो देन यू हैव टू एक्सप्लेन कि आपको 4 क्यों है। मतलब अब ये जो भी क्वेश्चन था, सपोज मैं अभी ये वाला देखती हूँ, 5857 क्वेश्चन, ठीक है, 5857, 5857, ओके, तो आप ऐसे स्क्रोल डाउन करेंगे, 5857 का सपोज मुझे यहाँ चाहिए, इन्होंने 2 दिया बट मुझे लगता है इसका आंसर 3 होना चाहिए, तो आपको ये क्यों इसका ऑप्शन नंबर 3 लगता है उसको आपको प्रूफ देना है, ठीक है? याद रखिए एक ही वर्ड फाइल बना लीजिए, फिर उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लीजिए और अच्छे से हाईलाइट करके भेजिए। और मैंने क्या बताया था, प्रूफ आपको जब सबमिट करना है आपको कोशिश करना है कि वो रेफरेंस बुक से, ऑथेंटिक साइट, एनसीईआरटी गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक्स, गवर्नमेंट बुक्स, कोई भी लोकल बुक से, या फिर आप बोलोगे ऑथेंटिक सोर्स नहीं है गूगल से कहीं जाके, नो। और ये जितना भी आपका 1 MB फाइल एक्सीड नहीं होना चाहिए उसका वजन, मतलब उसका साइज, और यहाँ पर उसका नो फाइल चूजन अदर, आप इसको चूज कीजिए, आपने सेव करके अपने डॉक्यूमेंट्स में रखा होगा तो आप उसको क्या कर सकते हैं यहाँ पर अपलोड कर देंगे, ठीक है? फिर आप ये जो भी हो जाएगा इसको कैप्चा एंटर करेंगे, सबमिट एंड रिव्यू, और फिर यहाँ पर देखिए पेमेंट सिस्टम आ जाएगा, ओके? इसका अगला स्टेप मैं ही नहीं बता रही क्योंकि मैं यहाँ कोई चैलेंज नहीं कर रही हूँ, आई होप सो आई एम क्लियर। अब मैं यहाँ पर बैक जा रही हूँ, सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं ये वेबसाइट पर गई, मैंने यहाँ पर क्लिक आंसर की किया, ये आंसर ओके ये ओपन हो जाता है मेरा डिटेल्स भर के, जब मैं यहाँ क्लिक करती हूँ मेरी डिटेल्स पूछी जाती है, एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ, फिर मुझे आंसर शीट देखनी है तो यहाँ से देखनी है, और मुझे चैलेंज मतलब उनका आंसर, तो उनका आंसर यहाँ पर दिया है, ठीक है? तो चैलेंज पर जाके आप ये उनका आंसर चेक कर रहे हैं, ओके? करेक्ट आंसर उन्होंने 2 दिया, अगर आपको लग रहा है 1 है तो आप 1 पर क्लिक करके यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस आपको इसका सपोज 3 के बदले आपको 4 लग रहा है तो आप क्या करेंगे, ये क्यों डिसेबल्ड है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर चैलेंज ऑलरेडी 3 आंसर दिया ना, तो ये डिसेबल रहेगा, मतलब आप थर्ड को ऑप्शन को चैलेंज नहीं कर सकते बिकॉज दिस इज गिवन बाय एनटीए, ओके? यहाँ पर इन्होंने 2 दिया तो 2 को डिसेबल किया, ओके? फिर आप एक साथ जितने भी क्वेश्चन चैलेंज कर रहे हैं, 200 रुपीज पर क्वेश्चन, आप यहाँ पर फाइल बना लीजिए वर्ड फाइल, उस पर हाईलाइट कीजिए क्वेश्चन नंबर, उन आपको क्या आंसर लगता है और आपको क्यों लगता है उसका प्रूफ, रेफरेंस बुक ऑथेंटिक सोर्स से दीजिए और यहाँ पर फाइल अपलोड कर दीजिए, 1 MB को एक्सीड नहीं होनी चाहिए, और आपको यहाँ पर याद रखना है वो पीडीएफ हो, और यहाँ पर कैप्चा करके सबमिट एंड रिव्यू क्लेम्स, मतलब रिव्यू आएगा और फिर आप उसको पेमेंट कर दीजिए, ओके? ये प्रोसेस हमें कल तक, ये मेरे आज कल रात को स्टार्ट हुआ था और आपको पता होना चाहिए मैंने बताया था, ओके? तो डोंट वरी, ये नोटिस मैंने आपको बताया था, कल एक बार फिर से देख लेते हैं, नोटिस में हमको कब तक अलाउ है, 13 सितंबर, तो आज 12 सितंबर 5 बज रहे हैं, और 13 सितंबर को रात के 11:50 तक, और पेमेंट आपको 11:50 तक करनी है, तो अब और कल का ही दिन है, आपको मेरी कुछ हेल्प चाहिए तो जरूर मुझे मैसेज कीजिए, एंड थैंक यू फॉर रीचिंग आउट टू मी, एंड इन केस यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए, एंड थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट।